वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा वीडियो है जे रिलेटेड है विद द थ्री ग्रुप ऑफ मैमल्स, और ये टॉपिक काफ़ी फेमस टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसमें कॉम्पिटिटिव में भी काफ़ी क्वेश्चन अराइज होते हैं। तो आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया द यूथीरिया। ये क्लास मेमलिया के तीन मेन ग्रुप हैं, और इनमें बेसिकली कन्फ्यूज़न आ जाती है स्टूडेंट को कि कौन से एनिमल को किस में रखना है। तो ये आपकी कन्फ्यूज़न आज दूर करना हो, इसमें आप देख सकते हो प्रोटो का मीनिंग होता है प्रिमिटिव, मेटा का जो मिड में आते हैं, यू का मीनिंग है जो ट्रू मैमल्स हैं। यहाँ से प्रोटो से लेके यू तक ये एडवांसमेंट हुई है। तो इसका फर्स्ट करेक्टर है एक्सटर्नल ईयर, जो इसका ईयर है प्रोटोथीरिया में इसमें पिन्ना नहीं होता, मेटाथीरिया में पिन्ना होता है, तो यूथीरिया में भी होता है। दूसरा पॉइंट है फ्रेंड्स ये निप्पल्स, इसको मैमे बोलते हैं, और निप्पल्स फीमेल में नहीं होते, इनमें होते हैं एब्डोमन एरिया पे मेटाथीरिया के, इनके एब्डोमोथ्रेसिक में होते हैं। नौ कॉर्पस कोलोसम, कॉर्पस कोलोसम ब्रेन का पार्ट है, ये इनमें नहीं होता, मेटाथीरिया में भी नहीं होता, यूथीरिया में होता है। उसके बाद आता है टेस्टिस, एब्डोमन एरिया स्क्रोटम नहीं होता इसमें, यानी इसके टेस्टिस अंदर होते हैं बाहर नहीं होते, इनके टेस्टिस पीनिस के आगे होते हैं, इनके टेस्टिस स्क्रोटम में आते हैं। डिगेस्टिव एंड यूरिनो जेनिटल ट्रैक ओपन थ्रू द क्लोइका, इसमें क्लोइकल पर्चर होता है जो सिंगल ओपनिंग होती है फॉर द एक्सक्रीटरी बेस्ट एंड द जेनिटल स्क्रीशन, और इनमें सेपरेट ओपनिंग होती है, यानी इसमें क्लोइकल नहीं होता, और इनमें भी क्लोइका नहीं होता। उसके बाद है मार्सुपियल पाउच, इनमें कोई पाउच नहीं बनता, मेटाथीरिया में पाउच होते हैं, इनमें भी नहीं होता। उसके बाद प्रोटोथीरिया एगले करते हैं, इसको ओबी पेरस बोलते हैं, मेटाथीरिया बेबीज को यंग बन को प्रोड्यूस करते हैं, इसको बीबी पेरस बोलते हैं, और यूथीरिया भी बीबी पेरस होते हैं। प्रोटोथीरिया में प्लेसेंटा नहीं बनता, मेटाथीरिया में प्लेसेंटा बनता है बट इतना एडवांस नहीं बनता, इनमें प्लेसेंटा बनता है। तो जो दोस्तों ये मेन बेसिकली तीन जो ग्रुप्स हैं, इनमें जो मेन मेन डिफरेंस है ये है, बाकी हम करते हैं इसके डायग्रामेटिकली आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सबसे पहले आप देख सकते हो प्रोटोथीरिया में इनको प्रिमिटिव बोलते हैं, एगलिंग मैमल होते हैं, तो ये क्लोइका होता है इनमें, और ये अपने प्रिमिटिव जो होते हैं रेप्टाइल्स के करेक्टर को रिटेन करते हैं या बर्ड्स के करेक्टर को रिटेन करते हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया और इसके एडजॉइंट इस लाइन में आते हैं, और इनका एक सिंगल ऑर्डर है मोनोट्रीमेटा, यानी सब क्लास है प्रोटोथीरिया, क्लास मेमेलिया की फर्स्ट सब क्लास है प्रोटोथीरिया, उसका एक ऑर्डर है मोनोट्रीमेटा। जो मोनोट्रीमेटा में मेन एग्जांपल है ओरिंथोरिंकस, इसको डकविल प्लेटिपस बोलते हैं, इंटेगालोगस इसको स्पाइनी एडिटर बोलते हैं, और डकविल प्लेटिपस आप देख सकते हो ये डक की तरह है, आगे इसकी बीक है करेक्टर शो कर रहा है, और ये बरोज में रहता है, बॉम्स क्राइफिश इंसेक्ट खाता है, रात को एक्टिव होता है, एग ले करता है, बरों में ही ये अंडे देता है, और इसकी बाकी आप मॉर्फोलॉजिकल फीचर देख सकते हो। उसके बाद दूसरा क्लास सब क्लास आता है थीरिया, जो थीरिया सब क्लास है इसमें प्रोटोथीरिया से आगे है एडवांसमेंट एंड में, और इनके आगे दो इन्फ्रा क्लास है जो हम बोलते हैं मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। मेटाथीरिया मैंने बताया जो मिड में आते हैं, ना ज़्यादा एडवांस ना ज़्यादा प्रिमिटिव, इसको मार्सुपिया भी बोलते हैं, मार्सुपियल इनमें पॉश होता है, इसकी एग्जांपल है मैक्रोपस जिसको कंगारू बोलते हैं, एंडेडालिफस जिसको ऑप्सम बोलते हैं। ये कंगारू आपने देखा है ऑस्ट्रेलिया का फेमस एनिमल है, और इसमें पाउच होता है, यंग वन को और एग्स को इसमें कैरी करके रखता है। उसके बाद आते हैं थीरिया यूथीरिया, ये मेन है, इनमें प्लेसेंटा बनता है, और जो आपके मार्सुपियल में प्लेसेंटा नेग्लिजिबल ही बनता है बट इतना एडवांस नहीं बनता, और ये आपके यूथीरियास हैं, यूथीरिया में एडवांस्ड हैं, जो हमारे एडवांस्ड मैमल्स हैं यूथीरिया में आते हैं, और इसकी काफ़ी एवोल्यूशनरी लाइन्स हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं है, इसको हम बाद में करेंगे, और फिर भी आपको मैं बता देता हूँ जो इंसेक्ट करते हैं उनमें है, रोडेंट हैं, रैबिट, वेल, डॉल्फिन, पार्कोपिस, एलिफेंट, कार्निबोरा, इंग्लीगेट्स, ये इसके मेन ग्रुप्स होते हैं। अगर इसकी मैं क्लासिफिकेशन देखूं तो यूथीरिया के 16 ऑर्डर हैं, इनमें मेन है इंसेक्टिबोरा, प्राइमेटा, चायरोपेट्रा,
इडेंटिया, रोडेंशिया, लैगोमोर्फा, कैटेशिया कार्निबोरा, प्रोसोबिसीडिया, प्रेसिडेक्टीलिया इन आर्टिडिक्टीलिया। तो दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट था टॉपिक, मुझे उम्मीद आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा और आपको अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी डिफरेंस बिटवीन प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया एंड यूथीरिया। थैंक यू वेरी मच, और वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर।